दोस्तों, ये वीडियो बना रहा हूँ गेहूं की सेटिंग के लिए। फिलहाल ये जो है, यहाँ पर जो गेहूं पे सेट है इसकी पुलियाँ, ये नीचे देखिए, ये ऊपर ऐसे ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हलार इसको पूरी रखनी पड़ेगी ऊपर। ये फिलहाल नीचे है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि चाल जो है वो ज़्यादा रहे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इस जो डी बेल्ट है, इस डी बेल्ट को उतार के ऊपर टांग देना है, यहाँ पर टांग देना है इस जगह पर, ठीक है। और ये बोल्ट है, ये बोल्ट जो है उतार के, मतलब इसमें यहाँ कस देना है, इसको मिला के फिर कस देना है, ठीक है, जिससे कि मतलब ये गेहूं का सेट हो जाए। ये बेल्ट उतारना मत भूलना, ये बेल्ट जो है उतार के आपने टांग लिया है, ठीक है। ये है डबल फैन कटर थ्रेशर, डबल फैन है, थ्री फैन है, ठीक है। ये अनाज सफाई वाला है। यहाँ पर क्या है कि ये जो है हवा कम बढ़ती करने के लिए है, ठीक है। यहाँ पर इसमें हवा हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर रोटर में। ये जो है, ये रोटर के बोल्ट हैं। इस रोटर में प्रॉब्लम ये आती है कि कहते हैं जी दाना काट रही है, दाना फोड़ रही है मशीन। तो ये जो है ना, इसको हमको रोटर के जो बोल्ट हैं जाल से, वो कम से कम नहीं तो ढाई एंगल इसको रख के चलना पड़ेगा, जैसे कि वो दाना काटेगी नहीं, फोड़ेगी नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है, देखिए ये गन से है, ठीक है, ये गन से है, ये यहाँ पर सेट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आया नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यह इसमें 3 स्पीड गियर लगा हुआ है, 2 स्पीड गियर है, ठीक है। लोहे के इसमें पट्टे हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं, ये चल रहा है। फिलहाल इसमें जो जाली है वो 14-15 की लगी हुई है, और इसमें जो है कि दाना अगर कभी और साफ नहीं आता तो इसको हटा के जाली ये ऊपर कर देना है, तो दाना साफ आ जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो इसको हटा के 13 नंबर जाली डाल देना, नॉल साफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर शटर है, शटर का जो है इसको थोड़ा सा खींच के रखना है, अगर मशीन दाना उठा रही है, ठीक है। ये वाला शटर इसको 5-6 इंच ऊपर खींच के बांध देना है। एक शटर इसके अंदर लगा हुआ है, ये वाला, इस शटर को भी क्या है कि इसको ऊपर करके रखना है, अगर दाना मशीन उठा रही है तो इसको ऊपर कर देना है, जिससे कि दाने में उठाएगी लेकिन कम उठाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि अगर कोई कोठी भर रही है मशीन की, सो एक निवेदन ये है कि वो ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो बहुत स्लो उसमें चलाते हैं, ट्रैक्टर की स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के रखें, जिससे कि मशीन की कोठी ना भरे, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इसमें 5 वोल्ट का गियर लगा हुआ है, 3 स्पीड है, स्पीड इसमें 3 है, लेकिन 5 वोल्ट में हेड, बड़ा हेड है, 1416 इसको बोलते हैं। ये गाड़ी है, ठीक है, लोहे के उसमें पट्टे लगे हुए हैं, ठीक है, बड़े टायर हैं इसमें 920 के, ये ठीक है। यहाँ पर भी ये हवा कम बढ़ती करने के लिए है, हवा कम बढ़ती हो जाएगी इसमें, ठीक है। ये एक पलटा है, इससे भी अंदर अगर माल भर रहा है चलने में तो उसे साफ़ करने के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। ये एक पलटा है, हम आ जाते हैं यहाँ पर आगे, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। 45 का इसमें व्हील लगा हुआ है, ठीक है, प्रीत एग्रो हमारा फर्म जो है, प्रीत एग्रो से है, ठीक है।